टूर कहाँ से देंगे हम, जिसका डेली का अप डाउन होगा ना आगे पीछे जाने के लिए, वो कैसे मैनेज कर पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया है, क्या करे सरकार। सरकार को बोलो नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे फिर गुलाब की जगह फिर दोबारा को हाथ को ही खड़ा कर देंगे हम, जनता या क्या करेगी, जनता जिससे परेशान होती है हम चेंज कर देंगे। हम ही इनको बनाने वाले, इनको कोई बनाने वाला बाहर से थोड़े है, हम बनाते हैं, हमारी कमाई पे ये ऐश करते हैं, हमारी कमाई पे ये इतना कुछ करते हैं, लेकिन यार हम पे तो थोड़ा सा तो रहम करो यार, थोड़ा ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 25% ही अब हम के लिए हमारे बारे में सोच लो, ज़्यादा नहीं मैं कहता। आपके पास 4G रिस्टोर करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन टोल लगाने के लिए आपके पास टाइम है। रविंद्र राणा जी ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट किया है GNK वालों के लिए, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है और हम जम्मू के लोगों को लगता है, बट ये बेवकूफ़ी है हम लोगों की कि हम गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो NC हो या कांग्रेस हो या PDC, व्हाटएवर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। जम्मू को सौगातों पर सौगातें मिल रही हैं और टोल प्लाजा की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है लखनपुर में, और कल विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला वहां पर जारी हो गया और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा व रोष देखने को मिला कि आखिरकार महंगाई के इस दौर में टोल की मार जो है जम्मू की आम जनता पर क्यों पड़ रही है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई बाहरी राज्य से आता है तो क्या उस पर भी इसकी मार पड़ेगी। जम्मू से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता क्या है टोल के क्या मायने लखनपुर में भी टोल आ गया? हमें तो बस यही लग रहा है कि पहले जम्मू शहर को कहा जाता था मंदिरों का शहर, लेकिन जिस हिसाब से टोल आ रहे हैं आए और कुछ देर बाद इसको कहा जाएगा टोलों का शहर। तो पहली बात तो UT में टोल होते नहीं, तो आपने इसको UT बता दिया कि ये UT है, अगर UT है तो फिर टोल क्यों है? ऊपर से कुछ दिन पहले मैंने भी बताया था तो 4G 10-11 मिनट से अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अभी टाइम नहीं आया बताने का, आपके पास 4G रिस्टोर करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन टोल लगाने के लिए आपके पास टाइम है, तो कब तक ये मगी? और दूसरी बात है कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं होते, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर ये तो मेरे को 3 से लग रहा है, मेरे को 4 लगा देंगे, तो अभी और भी इनके प्लान है टोल। आम जनता पर कितनी मार पड़ने वाली है महंगाई? बस ये मार तो ये पड़ेगी कि जितना हमारा लगना था पेट्रोल, अब उससे 2 गुना हमारा टोल लग जाया करेगा। पहले अगर हम 500 का पेट्रोल खर्च करते थे, उससे ज़्यादा हम टोल दे दिया करेंगे। तो ऊपर से लॉकडाउन भी है, इनको ये गवर्नमेंट कहती है हम लोगों के साथ हैं, दिख रहा है कि कैसे साथ हैं, टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम साथ। तो जम्मू में एक और टोल लगाए, सौगात मिली है, गिफ्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे देखते हैं? ये रविंद्र राणा जी ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है GNK वालों के लिए, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है और हम जम्मू के लोगों को लगता है, बट ये बेवकूफ़ी है हम लोगों की कि हम गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो NC हो या कांग्रेस हो या PDC, व्हाटएवर ऑल दिस हो, बट आने वाले टाइम में BJP से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इन्होंने ये जो एक लखनपुर में जो टोल लगाया और एक जो सरोर में लगाया, प्लस इन्होंने अब नगरोटा में भी लगा दिया। सरोर और नगरोटा का तो चलो ठीक है, मानते हैं कि फ्लाईओवर अच्छा बना हो तो उन्होंने दिया, बट लखनपुर में जो टोल लगाया गवर्नमेंट ने उसका कोई रोल नहीं था, बिकॉज आगे COVID-19 चल रहा है जिसके रिगार्डिंग लोगों को के पास काम नहीं है, प्राइवेट लोगों के पास ऑलरेडी होटल इंडस्ट्रीज पूरी बंद हो रखी है। गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वो क्या कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट का ये तर्क रहता है कि अगर अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल से तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको टोल चुकाना पड़ेगा। बट हाँ मैम, आप बिल्कुल सही हो, बट रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ ये कहता है कि आपको कि विदिन 10 किलोमीटर के अंदर टोल्स जो है नहीं लगती है, ठीक है। अगर इन्होंने सरोर में टोल लगाया तो लखनपुर का टोल तो बनता ही नहीं था बनना, यहाँ तो लखनपुर में लगाओ यहाँ तो सरोर में लगाओ, अब दो जगह टोल लगा रहे हैं, तो ये तो फिर गवर्नमेंट जो वेफो बना रही है यहाँ पे जम्मू, आगे जम्मू में रोज़गार नहीं है लोगों के पास, ठीक है। हम तो चलो बाहर काम करते हैं, ठीक है। आज जम्मू वासियों को मिली है, कैसे देखते हैं? मुबारक हो जम्मू वालों को इससे क्या करें, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैम इसके बारे में। एक टोल हो तब भी कह रहा रिंग रोड बन रहा, उसमें भी 3-4 टोल लगेंगे, इन्होंने दे दिया। मेरे को एक चीज़ इन्होंने बताना चाहिए कि ये जो जम्मू में टोल लगा रहे हैं कि किस बेस पे टोल लगा रहे हैं, कुछ बेस तो होना चाहिए ना कि जम्मू में हाँ चलो ये कुछ देखने के लिए है या कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए टोल लगा रहे, टूरिस्ट आए, अब टूरिस्ट तो जम्मू में वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, टोल प्लाजा करना है तो श्रीनगर में लगाओ, जहाँ पे आपने बड़ी पार्क हैं, लोग देखने के लिए फॉरन से भी लोग देखने के लिए आते हैं श्रीनगर में, इतनी अच्छी पैसे बनाए पार्कें बनाई हुई हैं, इतनी अच्छी पार्कें बनाई हुई हैं, पैसा खर्च किया, डेवलपमेंट की हुई है, वहाँ पे आप 4 टोल ही लगा लो ना तो वहाँ पे बड़ा खा जाएगा। जम्मू में कोई बेस नहीं है, कुछ है नहीं देखने के लिए। भेदभाव की राजनीति एक बार फिर से देखने की मिल रही है केंद्र सरकार।
भेदभाव तो हो रहा है, छोटा सा जम्मू है, इससे अच्छा हमको फांसी ही दे देते जम्मू वालों को। क्या क्या मेरे को एक चीज़ बताओ ना, आगे काम काज नहीं, ऊपर से कोविड का सिस्टम चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, काम काज है नहीं, ऊपर से ये टोल लगा रहे हैं, लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मेरे को ये बताओ ना। छोटा सा जम्मू है, छोटा सा जम्मू में ये चार टोल लगा देंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा? ये बड़ा गलत है, गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। बड़े बीजेपी वाले भी बहुत कहते थे, बीजेपी वालों को हमने जिताया, उन्होंने राम जन्मभूमि का मसला हल किया, हम बड़े खुश हुए। लेकिन जो यार एक तो देखो जम्मू छोटा सा जम्मू है, अब उसमें क्या 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 करोगे मेरे को ये बताओ ना, क्या क्या करोगे? पार्क आप बना नहीं रहे हो, हैं जम्मू वाले को कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे हो, खाली टोल तोड़ रहे हो, हर काम कर रहे हो, लेकिन जम्मू वाले क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ से पैसे देंगे? कोविड के लिए पैसे नहीं आ रहे, कोविड के ऐसे ही वो चल रहा है, ऊपर से अब जब मेडिसिन आ जाएगी तो गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेगा? प्राइवेट कंपनी वालों ने तो वैसे ही निकाल दिया है, अब टोल कहाँ से देंगे हम? जिसका डेली का अपडाउन होगा उन्हें आगे पीछे जाने के लिए, वो कैसे मैनेज कर पाएगा? बड़ा मुश्किल होगा, ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया है, क्या करे सरकार? सरकार को बोलो नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे फिर गुलाब की जगह फिर दोबारा को हाथ को ही खड़ा कर देंगे हम, जनता या क्या करेगी? जनता जिससे परेशान होती है हम चेंज कर देंगे, हम ही इनको बनाने वाले, इनको कोई बनाने वाला बाहर से थोड़े है, हम बनाते हैं, हमारी कमाई पे ये ऐश करते हैं, हमारी कमाई पे ये इतना कुछ करते हैं, लेकिन यार हम पे तो थोड़ा सा तो रहम करो यार, थोड़ा ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 25% ही अब हम के लिए हमारे बारे में सोच लो, ज़्यादा नहीं मैं कहता। अभी बीजेपी के जो रविंद्र राणा जी को कोविड हुआ था, टेस्ट पॉजिटिव हुआ, उसी दिन फटाफट नारायणा में दे गए उनको, तो आपने ये नहीं देखा कभी मेडिकल हॉस्पिटल आके देखना, कभी टेस्ट के लिए लाइनें लगी हुई हैं, क्या वो इंसान नहीं है? ये अपने पैसों पे गए हैं क्या? अपने पैसों पे नहीं गए, हमारे पैसों पे गए हैं, तो यार हमारे पैसे हम पे तो लगाने चाहिए पैसे, थोड़े से ही लगा दो पैसे, या तो फिर सीधा गोली मार दो, सीधा काम ही खत्म कर दो,